justice India remains vigilant in manufacturing the sweets and seen in defying the pollution norms and food safety laws, which is वाली चीजें से ये देखिए जी यहाँ बड़ी फेमस वर्कशॉप है, ये स्वीट वर्कशॉप है, मिठाई फैक्ट्री बनती है और यहाँ पे फैक्ट्री में मिठाई बनती है, सभी जानते हैं, पर दे हैव हिडन द ब्रांड नेम, टाइटल कुछ नहीं है, जबकि दे आर सपोज टू डिस्प्ले द टाइटल एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंसर्न। यहाँ पे इसलिए छुपाया गया है कि यहाँ पे जो फूड सेफ्टी लॉज है वो फूड सेफ्टी लॉज आर बीइंग थ्रोन टू विंड्स, कोई चेक ना करे आगे। ये बंदों ने ऐसे मैनेज किया कि यहाँ पे दे डोंट डिस्प्ले, दे डोंट, दिस प्रोप्राइटर्स ऑफ द अनुपम स्वीट्स डू नॉट वांट टू रिवील द नेचर ऑफ प्रोडक्ट व्हाट इज बीइंग अंडरटेकन इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री बनता है, छुपाते हैं, चोरी करते हैं ये टैक्स की, और बताएंगे तो लोगों को रेट पड़ जाएगी, यहाँ चुपके चोरी क्या बनता है, लोग पूछे आगे, हम दिखा रहे हैं पूरा, इसके अंदर पूरा बैक साइड में दिखाया, फ्रंट दिखाया, कहीं भी कुछ नहीं है। एक ट्रक रोड खड़ा है, ये ट्रक रोड जा रहा भर के, ये लोग कहते हैं हम जी यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाते हैं मिठाई का जो बनता है अनुपम स्वीट्स का। ये ट्रक खड़ा है, ये जो नंबर है इसका करो आगे जाके नंबर ले, नंबर आ गया। ये जो प्रोडक्ट है ये मिठाई बेचते हैं, ये अंडर द इन हाइजीनिक कंडीशन, ड्रेस कोड नहीं पहनते, कोई टाइटल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, दे शुड बी चलांड एंड शुड बी टेकन टू टास्क लीगली। ये देखो जी अनुपम स्वीट्स विच इज वेरी फेमस हैज बीन यूजिंग द वुड फ्यूल, वुड जो है बड़ा कार्बन एमिशन करता है ये, एंड ही हैज बीन वार्न्ड नॉट टू गो फॉर दिस एमिशन, इतनी एमिशन ऐसी कार्बन चिमनी से निकलती है और ये अनुपम स्वीट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, हर टाइम ये बच जाता है। ऑलरेडी ही हैज बीन इशूड मैनी टाइम वार्निंग, इसका नोटिस भी दिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, मगर ये आज तक अपना ही नॉट अमेंडिंग द वेज। पोल्यूशन कंट्रोल शुड टेक इन टू कॉग्निजेंस द न्यूसेंस बीइंग परपेट्रेटेड बाय द अनुपम स्वीट्स। जो जैसा कार्य कर रहे हैं आज नौ हज़ार इससे ज़्यादा है।